आपके लग गई है लॉटरी जनाबो। यहाँ पे आपको कोई एक रियाल भी नहीं देगा, दीनार भी नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर एक और नई वीडियो में। तो जैसे आपको पता है कि जो भी मैं आजकल जो वीडियोस बना रहा हूँ गलत के रिलेटेड बना रहा हूँ, क्योंकि जो भी हमारे बंदे आते हैं इंडिया से, स्पेशली कश्मीर से, बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। तो जी हाँ, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गलत में जॉब अप्लाई करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो जी हाँ, चले करते हैं आज का वीडियो भी स्टार्ट। तो जी हाँ दोस्तों, जब हम गलत के लिए अप्लाई करते हैं जॉब के लिए, तो जो मोस्टली लोग हैं वो जाते हैं कंसल्टेंसी वाले के पास। तो कंसल्टेंसी वाले के पास हम जाते हैं जॉब अप्लाई, जो जॉब्स प्रोवाइड करते हैं गल्फ कंट्रीज में, लाइक सऊदी अरब, कतर, कुवैत, दुबई वगैरह एक्सेट्रा। तो जी हाँ, हम जाते हैं कंसल्टेंसी वाले के पास। सो बहुत सारी इस कंसल्टेंसीज है जो आपको गारंटी देती है हम जॉब देंगे आपको गल्फ कंट्रीज में। तो जिस कंसल्टेंसी आप अप्लाई कर रहे हो जॉब के लिए गल्फ कंट्रीज में, तो मेक श्योर कि वो कोई फ्रॉड तो नहीं है, मेक श्योर कि वो कोई फेक एजेंसी तो नहीं है, तो मेक श्योर कि उसके पास लाइसेंस है कि नहीं है, मेक श्योर कि जिस कंसल्टेंसी के थ्रू आप अपना प्रोसेस करवा रहे हो वो तो फेक तो नहीं है, वो आपको फेक जॉब तो नहीं प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको फेक प्रोसेस तो नहीं करवा रहा है। मेक श्योर कि जिस कंसल्टेंसी से आप अप्लाई कर रही हो वो आपको जॉब से पहले पैसे तो नहीं मांग रहा है। तो अब आपको समझ आया ही होगा। तो ये जो सारी चीजें, इनको आपको बहुत ही टेक केयर करना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीजें हैं ना, इनको आपको बहुत ही ध्यान तरीके से रखना पड़ेगा, टेक केयर करना पड़ेगा। तो ये जो सारी रिक्रूटमेंट्स, फेक एजेंसीज, फेक जॉब ऑफर्स, तो इनको आपसे बहुत ही टेक केयर करना पड़ेगा बिफोर अप्लाइंग जॉब। जॉब करने से पहले, जॉब अप्लाई करने से पहले आपको इन चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। जिस कंसल्टेंसी वाले के पास मैं जा रहा हूँ, जो मैं जॉब प्रोवाइड कर रहा है, वो कोई फ्रॉड तो नहीं है, वो कोई फ्रॉड वीज़ा तो नहीं दे रहा है, वो कोई पैसा तो नहीं मांग रहा है मैं बिफोर अप्लाइंग जॉब। जॉब से पहले वो कोई पैसा तो नहीं मांग रहा है। वो जो पासपोर्ट है आपका, वो तो पासपोर्ट मत लेता है। बहुत सारी कंसल्टेंसीज है जो जॉब से पहले मेरा पासपोर्ट लेते हैं, पैसा लेता है। तो फिर क्या होता है कि बंदा फंस जाता है। जब आप कंसल्टेंसी वाले के पास जाते हो जॉब के लिए, तो वो बोलता है पासपोर्ट, वेयर इज योर पासपोर्ट। तो वो पासपोर्ट जब आप हैंड ओवर करते हो तो बात होती है ख़त्म। या कुछ कुछ लोग पैसा देते हैं, तो बिफोर अप्लाइंग जॉब मेक श्योर कि ना आपने पैसा देना है, ना आपने पासपोर्ट देना है, जस्ट यू हैव टू क्वालिफाई द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना पड़ेगा, आपके लिए जॉब ऑफर लेटर आएगी। एंड मेक श्योर कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, आपको बहुत ही टेक केयर करना पड़ेगा। सो बिफोर अप्लाइंग जॉब्स इन गल्फ कंट्रीज। तो अगर आप ऐसा ही कुछ करोगे, फेक रिक्रूटमेंट में फंस गए, फेक हायरिंग में फंस गए, तो फिलहाल जब आप फिर इन गल्फ कंट्रीज में आओगे तो बहुत सारा आपको दिक्कत उठाना पड़ेगा। तो खुदा ना खासा अगर कुछ ऐसा ही हुआ, आप किसी फेक रिक्रूटमेंट में फंस गए, आप किसी फेक कंसल्टेंसी से फंस गए, तो फिलहाल उसने आपको जॉब दिया तो फिर आप फंस गई इधर गलत में। अगर यहाँ पे कोई जॉब नहीं हुआ तो फिर आपका पैसा, फिर आपका जो भी खर्चा, तो वो सब वेस्ट में। तो इसलिए जब आप अप्लाई करते हो जॉब के लिए, तो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें हैं ना, इन चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखना पड़ेगा। बिकॉज जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाते हो, तो वहाँ के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है डिफरेंट होते हैं। तो अगर आप किसी फेक कंसल्टेंसी से आ गए, उसने आपको जॉब दिया गलत में, तो अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ, तो आपके लग गई लॉटरी जनाबो। सऊदी में आके, दुबई में आके, कुवैत में आके, या कतर में आके, यहाँ पे आपको कोई हेल्प नहीं करेगा। यहाँ पे आपको कोई एक रियाल भी नहीं देगा, दीनार भी नहीं देगा। ये रियलिटी है। ये आप किन से पूछ सकते हो जो अभी काम कर रहे हैं, जिन्होंने ये पास किया हुआ है, जो इस मामले में फंस गए, तो ये आप उनसे पूछ सकते हो। बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे दोस्त हैं जिनको ये प्रॉब्लम हुई। तो अब जी हाँ, आपने बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, वायरल वीडियोस देखे होंगे। जब आप यहाँ पे आते हो तो ना यहाँ पे खाना है, ना यहाँ पे काम है, जो भी पैसा हमारा खर्चा होता है वो भी हम घर से ही मंगवाने पड़ते। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का बहुत ही टेक केयर करना पड़ता है बिफोर अप्लाइंग जॉब। मेक श्योर कि जिस कंसल्टेंसी के वाले पास आप जा रहे हो वो कोई फ्रॉड तो नहीं है। कभी कभार होता है कि कोई कंसल्टेंट, कोई फेक कंसल्टेंट आपको ऑफर दे रहा है, जब आपके पास ना एक्सपीरियंस होता है एंड इवन आप फ्रेशर होते हो, तो फिर भी क्या होता है कि वो आपको जॉब ऑफर देता है, ऑफर लगाता है कि मैं आपको इतनी सैलरी दूंगा, 50,000, 60,000,
1 लाख तक सैलरी, तो बंदा क्या होता है, बंदा खुश हो जाता है, ना मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं तो फ्रेशर हूँ। फिर उसमें फंस जाता है, तो फिर जब वो गल्फ में आता है, ना वो जॉब होता है, ना कुछ होता है। तो इसलिए ऐसा कुछ मत करो प्लीज, बिकॉज फिर यहाँ पे आपको पछताना ही पछताना पड़ेगा। यहाँ आपको 2 साल में कंट्रैक्ट होता है, 2 साल में आप कहीं पे नहीं जा सकते हो, ना घर जा सकते हो, ना कहीं पे, ना कोई हेल्प करेगा यहाँ आके। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। मेक श्योर कि आप किस कंसल्टेंसी के पास जा रहे हो, वो आपको गारंटी देता है जॉब के लिए, वो आपको जो भी वीज़ा प्रोवाइड करता है वो वैलिड है कि फेक है। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।